आखिरकार कर आधी रात को शालीन भानोट ने स्टोर रूम के अंदर टीना दत्ता के साथ ऐसा क्या कर दिया कि टीना दत्ता के तो होश ही उड़ गए। जी हाँ, आपको बता दें कि शालीन भानोट ने पहली बार टीना दत्ता के साथ स्टोर रूम में कुछ ऐसी बात कर दी है कि टीना दत्ता को तो यकीन ही नहीं हो रहा कि ये वही शालीन भानोट है जो पहले ही दिन से मुझे ये कह रहा है कि मैं तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त हूँ। आपको बता दें कि शालीन भानोट और टीना दत्ता से जुड़ी एक ऐसी खबर सामने आ गई है जिसे सुनने के बाद आपको बिल्कुल भी यकीन नहीं होगा कि आखिर अब बिग बॉस के घर के अंदर ये क्या हो रहा है। जी हाँ, आपको बता दें कि शालीन भानोट ने बिग बॉस के घर के अंदर अब टीना दत्ता को सबसे बड़ा धोखा दे दिया है, सबसे बड़ी चीटिंग कर डाली है जिस पर टीना को बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा है। ऐसे में क्या कर डाला है शालीन ने टीना दत्ता के साथ घर के स्टोर रूम के अंदर, चलिए आपको बताते हैं। लेकिन इससे पहले चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में घंटी के निशान को जरूर दबा दें। आपको बता दें कि जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि बिग बॉस के घर के अंदर अभी इस वक्त कुल 14 कंटेस्टेंट मौजूद थे जिसमें से अब्दू रोजी खान कुछ दिनों के लिए घर से बेघर हो गए हैं। ऐसे में आपको बता दें कि ये सभी कंटेस्टेंट पूरे के पूरे 12 हफ्तों से अपने परिवार से दूर हैं, अपने घर वालों से दूर हैं। बिग बॉस के अंदर इन कंटेस्टेंट्स को अब लगभग 3 महीने हो चुके हैं। ऐसे में आपको बता दें कि बिग बॉस ने सभी घर वालों के सामने यह ऐलान किया कि हर एक घर वालों के लिए उनके घर से चिट्ठी आई हुई है, जिसको सुनने के बाद घर का हर एक सदस्य इमोशनल हो गया क्योंकि वो अपने घर वालों की चिट्ठी पढ़ना चाहता था। ऐसे में आपको बता दें कि घर के गार्डन एरिया में टीना दत्ता, शालीन भानोट और अंकित बैठे होते हैं। ऐसे में अंकित टीना दत्ता को लेकर शालीन भानोट से पूछते हैं कि शालीन, कि बिग बॉस अगर तुम्हें दो चॉइस दें कि तुम्हें टीना दत्ता और अपनी चिट्ठी में किसी एक को चुनना है, अगर तुम अपनी चिट्ठी को चुन लेते हो तो टीना दत्ता घर से बेघर हो जाएंगी, तो तुम किस चीज को चुनोगे? जिसको लेकर शालीन भानोट ने टीना दत्ता के मुंह पर ही ऐसा जवाब दे दिया कि शालीन भानोट के इस जवाब को सुनकर टीना दत्ता के तो होश ही उड़ गए। टीना को लेकर शालीन भानोट ने कहा कि मैं तो अपनी चिट्ठी चुनूंगा क्योंकि मुझे अपने घर वालों की चिट्ठी चाहिए, टीना दत्ता भले ही घर से बेघर हो जाएं। आपको बता दें कि जैसे ही टीना दत्ता इतनी ज्यादा हैरान हुई, इतनी ज्यादा दुखी हुई कि वहां से सीधा अपने स्टोर रूम में चली गई। स्टोर रूम में जाते ही शालीन भानोट उनके पीछे पीछे आ गए और शालीन भानोट तो टीना दत्ता को मारने के लिए आ गए। जी हां, आपको बता दें कि जिसके जवाब में टीना ने कहा कि तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या मुझे मारना चाहते हो? जवाब सुना? जी हां, आपको बता दें कि टीना दत्ता के गुस्से को देखकर शालीन भानोट अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पाए और टीना दत्ता पर हाथ उठाने लगे। ऐसे में आपको बता दें कि ये तो साफ हो चुका है कि शालीन भानोट ने अपनी चिट्ठी को पढ़ने के लिए टीना दत्ता को बाहर निकाल दिया। आप इसको लेकर क्या कहना चाहते हैं हमें कमेंट करें और बिग बॉस से जुड़ी हर एक लेटेस्ट न्यूज के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।